हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं ये ब्यूटीफुल वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो, कार्डिगन, लेडी जैकेट, बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, कैप, शॉल, फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 8 रोज का डिज़ाइन है, इन्हीं 8 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 11 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 10 प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 10 प्लस 2। ये डिज़ाइन राइट साइड से स्टार्ट करना है, रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इसमें मैंने 11 मल्टीपल करके 11 प्लस 10 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 23 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा पॉल वाइज स्लिप कीजिए। इस तरह से 1 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, 1 फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको 3 3 6 9 11 फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। अब की बार हमको सीधा बुनना है। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो 1 फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, अभी स्लिप किया फंदा को हम उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा। 1 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, 1 फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको 11 फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 1 फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो, थर्ड रो सेम रो 1 की जैसे ही बुनना है। 1 फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वह रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, अब एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो, फोर रो सेम रो टू के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, एक दो, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, एक फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे कीजिए, लास्ट में आपको 11 फंदा बचेगा, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो सेम रो वन रो थ्री के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको 11 फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो, सिक्स रो सेम रो टू रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, एक दो, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, एक फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, लास्ट में आपको 11 फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक
दो, फिर धागा आगे कीजिए एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवन रो में हम डिजाइन डालेंगे। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को छोड़कर एक थर्ड स्टिच और एक फोर्थ स्टिच के बीच में से यहाँ से चार सिलाई नीचे से एक लूप निकालेंगे। यहाँ से एक दो तीन चार, फोर्थ होल में से एक लूप निकालेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये आपको छः बार तक करना है। एक, फिर से सेम होल में से एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा सीधा दो, फिर से सेम होल में से एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा सीधा तीन, फिर एक फंदा सीधा चार, फिर एक फंदा सीधा पांच, फिर से सेम होल में से एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा सीधा छः, छः बार तक करना है। फिर धागा आगे कीजिए दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे एक फंदा सीधा, आपको ये छः बार तक करना है। एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदा उल्टा एक दो, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको 11 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को छोड़कर ए थर्ड स्टिच और ए फोर्थ स्टिच के बीच में से फोर्थ होल में से लूप निकालेंगे। एक दो तीन चार, फोर्थ होल में से लूप निकालेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये आपको छः बार तक करना है। एक, सेम होल में से फिर से एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा सीधा दो, फिर एक फंदा सीधा तीन, फिर एक फंदा सीधा चार, फिर से सेम होल में से एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा सीधा पांच, फिर से सेम होल में से एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा सीधा छः, छः बार तक करना है। फिर धागा आगे कीजिए दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए दो फंदा सीधा एक दो, फिर धागा को पीछे ही रखना है। अब इस फंदा और इस लूप को, दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। ये आपको छः बार तक करना है इस तरह से। एक, फिर से दो फंदा को एक फंदा बनाना है दो, फिर से दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से तीन चार पाँच छः, छः बार तक किया। फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर धागा आगे कीजिए एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा एक दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाए आगे की साइड से, छः बार तक करना है। एक दो तीन चार पाँच छः,
फिर दो फंदा सीधा, एक दो, एक फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, छह बार तक करना है। एक दो तीन चार पाँच छ, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। एट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट एट रोज का है। इन्हीं एट रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो एट तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।